वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं V8 साउंड कार्ड की पूरी कनेक्शंस के बारे में। हमारे पास क्या क्या है अभी ये देख लेते हैं। पहला है डायनेमिक माइक, कंडेंसर माइक, कॉलर माइक, हेडफोन, होम थिएटर, एकॉम्पनी इंस्ट्रूमेंट। मैं मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास है नहीं अभी। और ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए मैंने एक दूसरा डिवाइस लिया है, मोबाइल फ़ोन। इसमें ब्लूटूथ का भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा, और दूसरा एकॉम्पनी इंस्ट्रूमेंट का इसके लिए है, और तीसरा इसमें लाइव कॉलिंग करने वाला हूँ। अगर हो जाएगा तो उसका मैं, हो सकेगा तो रिकॉर्डिंग भी इसमें डालूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलर माइक की। तो कॉलर माइक जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉलर माइक में मेरे को ये मानो की तरफ से एक ये एक्स्ट्रा दिया गया था। उसका उपयोग यही है कि आप V8 साउंड कार्ड में लगा कर इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको पाउच दिखा देता हूँ, ये जो ब्रांड है मैंने ये परचेस किया था, तो मुझे ये माइक मिला है। माइक की क्वालिटी बढ़िया है, मैंने इसका भी है अनबॉक्सिंग किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कंडेंसर माइक लिखा हुआ है, हम इस लीड को यहाँ पे कंडेंसर माइक की जगह पे लगा सकते हैं। अब इसका साउंड हमको सुनने के लिए हमारे इस कैमरे वाले मोबाइल पे लगाना पड़ेगा। तो लाइव टू में मैं इसका कनेक्शन लूँगा। मैंने दो वायर इसके साथ आते हैं, लाइव वन लाइव टू के लिए। तो लाइव टू के लिए मैं, देखिए यहाँ पे लाइव टू है, तो मैं इसका कनेक्शन जो है लाइव टू से लेने वाला हूँ। और करते हैं इस डिवाइस को ऑन, क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ तो इसका माइक ऑफ हो जाएगा और आवाज़ नहीं आएगा। 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे, जैसे ये ऑन होता है देखिए ब्लू कलर की लाइट जल रही है, ये हो गया है ऑन। मैंने सिर्फ कंडेंसर माइक की जगह में कॉलर माइक लगा के रखा है, और लाइव रिकॉर्डिंग के लिए मैंने ये वाली लाइव टू पे, अब मैं इसको इसी मोबाइल पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, उसके बाद साउंड इसमें आएगी। मैं रिकॉर्ड का भी आवाज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ से बेस ट्रेबल बढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे म्यूज़िक जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक चलने वाला है एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें ये म्यूज़िक काम आएगा। और मॉनिटर में सारे वैल्यूम बढ़ जाते हैं, तो सारे के सारे का वैल्यूम बढ़ा दिया है। इको का भी बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद माइक जो कि मेरा कंडेंसर माइक की जगह में कॉलर माइक लगा है, उसका भी मैंने वैल्यूम बढ़ा दिया, सारे वैल्यूम फुल है। अब मैं इसको जोड़ता हूँ और अपने माइक में, कॉलर माइक में आवाज़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जो मेरा आवाज़ है इस माइक में आने वाला है, हेलो 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 हेलो। अब मुझे आवाज़ सुनना है, मेरी आवाज़ मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा है, कैसा आ रहा है कैसा नहीं। उस चक्कर में मैं यहाँ पे अपना जो ये हेडफोन है मैं इसको अपना पहन लेता हूँ, और इसका लीड भी लगा देता हूँ। हेडसेट लिखा हुआ है, ये हेडसेट यहाँ पे हेडसेट लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना हेडफोन लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपके माइक में, जैसा कि मेरा माइक में हेडफोन में है, मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें एक ये माइक का सिस्टम भी दे के रखा है। तो क्या माइक दिया है तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करेगा, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है मैं थोड़ा सा वीडियो पूज करके चेक करूँगा। अभी सिर्फ 3 ही कनेक्शन में लगा के रखा हूँ, कंडेंसर माइक की जगह में कॉलर माइक, हेडफोन और लाइव टू। इतने में ही रिकॉर्डिंग चालू है, अब हो रहा है या नहीं इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ, फिर आगे का वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा हेडफोन का वायर और माइक का वायर मैंने हाथ में ले रखा है। देखिए आप कनेक्शन देखिए, दोनों कनेक्शन एक हेडसेट में एक कंडेंसर माइक की जगह पर लगा हुआ है, और जो ये वाइट कलर की वायर है ये मेरे मोबाइल पर, देखिए यहाँ पर जहाँ पे 3.5 mm का जैक है वहाँ पर लगा हुआ है, और ईके का साउंड मुझे आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास काफ़ी कमेंट आया कि हमारे में जो है इको का इफेक्ट नहीं आता है, तो मैंने ट्राई करके देखा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब जब आए तो उसको दोबारा मत निकालिए, बस वहीं से काम चालू करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ के लिए मैंने ये किया कि हाँ कॉलर माइक जो है यूज़ काम आ रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। ये जो एक अलग से कनेक्टर मिला है, इसका फ़ोटो दे दूँगा,
आप देख सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जो भी है जेन्युइन है, कोई फेक नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो बेल आइकन दबा के रखिएगा, आगे जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये तीनों वायर ही लगे हुए हैं, लाइव टू हेडफोन एंड कॉलर माइक। तो अभी लाइव वन में या एकॉम्पनी इंस्ट्रूमेंट में ये वाली केबल जो है हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं एकॉम्पनी इंस्ट्रूमेंट में उपयोग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एकॉम्पनी इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, फोकस करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, ये हमने इसको लगा दिया और इसका जो ऑक्स तरफ है ये किसी भी पियानो या फिर जो भी है आपके पास उसमें दिया रहता है। आप मोबाइल पे भी लगा के यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया, तो आप देख पा रहे हैं केबल आपके सामने है। इसी इसको इधर करूँ, दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए डायरेक्ट मैंने इसको यहीं पे लगा के रखा है। देख पा रहे हैं इसकी आवाज़ भी अच्छे से आ रही है। मैं थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा देता हूँ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट में लगा के। और इसका दूसरा उपयोग है, जैसे कि मैंने इस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसा ही रिकॉर्डिंग मैं इसके लिए भी लाइव टू में लगा के करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे लाइव वन है, सॉरी लाइव टू में मेरा ये वाला कैमरा, लाइव वन में मैं जिसमें एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट का लगा हुआ है, देखिए वही मोबाइल है, सेम आवाज़ काम कर रहा है इसका, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये भी काम करेगा लेकिन ये लाइव है, लाइव आप आवाज़ इसमें भी ले सकते हैं। पता नहीं इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ये कंपनी इंस्ट्रूमेंट में तो हो रहा होगा पक्का, लेकिन इसका नहीं पता। तो अभी इसका क्या करेंगे कि जैसे अभी कैमरा चालू करता हूँ इसका मैं, लाइव टू जो है ये तो कॉलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं तो कैमरे के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है आप देखिए, इसका फ्रंट कैमरा चालू करता हूँ, ये देखिए है सारा कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए ये मेरा मोबाइल है जो जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारा कुछ लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, तो अभी जो है इसमें भी एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करके मैं यही क्लिप आपके सामने जो है लगाने वाला हूँ। इसी वीडियो में थोड़ा सा क्लिप लगा दूँगा क्योंकि अलग से मैं दिखा नहीं सकता। इसमें जो आवाज़ है वो आ रहा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कंडेंसर माइक पूरा सेटअप मैंने लगा के रखा है। देखिए, अभी इतना ही इसका रिकॉर्डिंग करूँगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका रिकॉर्डिंग है मैं ये भी सेव करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो लाइव वन लाइव टू समझ में आ गया, ठीक है, ये कंपनी इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आ गया। अब बचा है चार्जिंग का, तो पहले वीडियो में ही बना दिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसका भी बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक माइक्रो का OTG टाइप से जो चार डाटा केबल आता है वैसे ही दिया हुआ है, इसमें से हम इसको अपना चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर इसका बैटरी ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जो चार्जिंग का वोल्ट दिया हुआ है उसमें आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ। ये मैंने लगाया इसको चार्जिंग पे, ये केबल है अपना, यहाँ से देखिए थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं आपको अच्छे से दिखे। ये कोई भी OTG हो, कोई भी नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड कलर की भी लाइट जल रही है, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे रेड कलर की भी है, ब्लू कलर की ब्लिंक कर रही है। ठीक है, हम चार्जिंग का भी कनेक्शन बता दिए। अब नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ का कनेक्शन। तो जैसे कि मैं एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं लाइव वन लाइव टू के लिए ये यूज़ किया था, अभी इसको भी हटा देता हूँ। सारा चीज़ एक साथ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाइव वन लाइव टू, लेकिन अपने पास केबल की कमी है थोड़ी सी, तो मैं इसको एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट में ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। हम करते हैं इसका ब्लूटूथ ऑन, ये ब्लूटूथ हो इसका ऑन किए, इसका ब्लूटूथ ऑन ही रहता है। देखिए इसमें क्या बताएगा, टर्निंग ऑन है, मोर सेटिंग में जाएंगे तो V8 अपना जो है उसका आ जाएगा। ये ब्लूटूथ ऑन हो गया, ये V8 करके आ रहा है यहाँ पे, तो दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए,
तो मैं इसको पेयर कर दूंगा, यहाँ पे अलाउ कर देंगे। देखिए उसका चालू है ब्लूटूथ, उसी का बता रहा है। अभी मैंने पेयर कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक, अभी हम इसमें जो कुछ भी प्ले करेंगे वो हमारे V8 साउंड के थ्रू इस मोबाइल में भी रिकॉर्ड होने लगेगा और मुझे भी सुनाई देगा। तो फिर से एक बार हम इस तरीके का कोई ब्लूटूथ डिवाइस है उसको भी। तो आपने देखा मैं यहाँ पे ये बजा रहा हूँ, ठीक है सिंथ। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। मैं भी इसका ब्लूटूथ भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी अभी। ये ब्लूटूथ ऑफ हो गया। अब इस डिवाइस की भी जहाँ तक है ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लाइव टू के लिए जो भी है मैं वो करके दिखाऊंगा कॉल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। तो ठीक है, अभी इसका भी ये फ़ोन भी रखा था मैं कॉलिंग के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ शायद मैं बता दिया हूँ। कॉलिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं किसी को कॉल करूँगा तो वहाँ से रिकॉर्डिंग होता है या नहीं ये देखेंगे। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉलिंग का भी काम करके देखते हैं। इसको लाइव वन में लगा देते हैं, यहाँ पे लाइव वन है। लाइव वन में लगाने के बाद अभी मैं इस मोबाइल से कॉल करूँगा किसी भी नंबर पे, ठीक है, किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे और देखते हैं। फिर से मैं कॉल करता हूँ, देखिए इसमें इको का आवाज़ आ रहा है या नहीं ये चेक करेंगे। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है, ऐसा आ रहा है आवाज़, ठीक है। अभी देखना कुछ आवाज़ में चेंज करके बताऊंगा वो आ रहा है कि नहीं। हेलो 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 हेलो, कैसा आ रहा है? कार्टून जैसे, अभी मोटा आया। देखिए ये कॉलिंग लाइन पे है, अभी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो अभी बोलो उधर से। हेलो, अरे हंस के रहो बोलो। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये लाइव कॉलिंग के लिए भी हमने कॉल करके देख लिया, चलिए अभी इसको करते हैं ख़त्म। लाइट फिलहाल गोल हो गई, तो बिजली चली गई थी और अभी आ चुकी है, तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब जो है इस होम थिएटर का कनेक्शन करेंगे। मैंने इसको अपने हाथ से बनाया घर पे एक मोबाइल के डिब्बे पे। तो चलो इसका कनेक्शन कैसे करना है देखिए। अगर मैं इसका कनेक्शन जैसे ही करूँगा तो आवाज़ जो है वो गूंजने लगेगा। तो यहाँ पे म्यूज़िक का एक बटन दिया होता है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये म्यूज़िक का बटन। पहले मैं इसको कम कर दूँगा ताकि जो शोर है वो कम आए, और हो सकता है रिकॉर्डिंग भी ना हो, हो सकता है इसको कम करने पर रिकॉर्डिंग भी ना हो। तो चलो मैं इसको कम कर देता हूँ पहले, फिर इसका कनेक्शन करता हूँ। धीरे से इसका आवाज़ खोलूँगा और यहाँ पे इसको चला के देखेंगे कि वो आवाज़ आता है उसमें कि नहीं। और मैं जो कैमरे में जो मेरा ये लाइव टू वाला वायर लगा हुआ है इसको निकाल दूँगा ताकि इसका पूरा क्लियर आवाज़ आए। माइक लगे होने के कारण ये आवाज़ करेगा। यहाँ पे जो ईयरफोन स्पीकर का दिया हुआ है पोर्ट उस पे लगाएंगे। देखिए ये आवाज़ कर रहा है, मॉनिटर भी कम करना पड़ा, ये आवाज़ कर रहा है देखिए। और मैं अभी ये निकाल देता हूँ, कैमरे में लगा था ये मैं निकाल दिया और आवाज़ इससे आ रही है। तो
तो आप लाइव प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं होम थिएटर स्पीकर जो भी एम्पलीफायर पे यूज करके, इसका जो आवाज है म्यूजिक से कम है, माइक का आवाज जा रहा है लेकिन म्यूजिक का कम है, इस वजह से देखिए अभी जो आवाज है ये क्लियर है। होता क्या है अगर मैं इसका कनेक्शन कर दूं तो यह आवाज करने लगता है। ठीक है सब, मैं ये मॉनिटर का आवाज ज्यादा बढ़ाऊंगा, पीए शोर करेगा। पीए होम थिएटर का कनेक्शन कुछ इस तरीके से ही लगाना है। इसमें आवाज आ रही है, इसमें जा रहा है इसका आवाज, और यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इसका क्लियर है। अब नेक्स्ट, अभी मैंने स्पीकर हटा दिया, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिलहाल लाइव वन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। लाइव वन बंद, ये देखिए मैंने इसको भी निकाल दिया। अब हमारा क्या क्या बचता है, डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक। तो सबसे पहले जो है मैं कंडेंसर माइक का यूज़ करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे माइक निकालना पड़ेगा जो मैंने कॉलर माइक लगा के रखा है। ये दोस्तों देखिए मेरा जो ये V8 साउंड कार्ड है, मैंने लाइव टू पे कनेक्शन दिया है हेडफोन और डायनेमिक सॉरी कंडेंसर माइक पे। तो अभी मैं कुछ भी आवाज़ बोलूँगा, हेलो 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 इको हेलो हेलो, तो आवाज़ मेरी आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी, इको का भी रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इको का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, दोबारा से प्रयास कीजिए, हो जाता है। V8 साउंड कार्ड का ये प्रॉब्लम है ही, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन देखिए मेरा हो रहा है ना, मैं एक बार ही कर रहा हूँ, हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे लाइव टू में ही जो आपका कैमरा है उसको लगाइए, लाइव वन में लगाइए नहीं लगाइए, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन लाइव टू में श्योर है कि आता है। तो जैसा कि मेरा आवाज़ कंडेंसर माइक में अच्छे से आ रहा है, अब कनेक्शन करने जा रहा हूँ मैं डायनेमिक माइक का। तो मैं पहले कनेक्शन करता हूँ फिर डायनेमिक माइक हाथ में लेके बोलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरा ये भी लगा हुआ है, तो जो केबल है ये केबल अपना डायनेमिक माइक का है। तो डायनेमिक माइक का मैं कनेक्शन पहले कर लेता हूँ, ये मैंने इसको लगा दिया, और डायनेमिक माइक का आवाज़ थोड़ा कम आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी होल है, आप देख सकते हैं, पास ला कर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे हमारा ये पिन लग जाएगा, ये पिन लग गई है, डायनेमिक माइक भी हमारा एक्टिव हो गया है, लेकिन जो है कंडेंसर माइक की तरह उसमें आवाज़ नहीं आ पाता है। अभी मैं इसमें बोलने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा कंडेंसर माइक से दूरी बना लेता हूँ। हेलो 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 हेलो, आवाज़ मेरा जो है अभी डायनेमिक माइक में आ रही है, लेकिन कंडेंसर माइक के जितना उसका आवाज़ नहीं आता। हेलो 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 हेलो, देखिए डायनेमिक माइक में थोड़ा कम आवाज़ आता है, लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। और जो कंडेंसर माइक है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसमें आवाज़ ज़्यादा आता है। तो हेलो, और ये जो कंडेंसर माइक है इसका आवाज़ और भी बेहतरीन करने के लिए एक फैंटम पावर आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपने फ़र्क देखा, कंडेंसर माइक का आवाज़ एकदम बढ़िया आ रहा है। हेलो हेलो इको हेलो, तो इको का भी इफ़ेक्ट जो है आ रही होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है, पास करके बोलना पड़ता है तब समझ में आता है। और एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा इको का इफ़ेक्ट कम आ रहा है, जो हेडफोन है उसमें सुनाई दे रहा है मुझे, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन इसका इसका एक नंबर। तो जहाँ तक मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर ऑफिशियल जो प्रोफेशनल रिकॉर्डर होते हैं
अगर रिकॉर्डिंग का आप शौकीन रखते हैं तो कंडेंसर माइक बेस्ट रहेगा, और ये मानो का है, इसका भी अनबॉक्सिंग का वीडियो बना दूंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी लगा और इस पर कमेंट भी ज़्यादा आए थे। जो इससे पहले मैंने V8 साउंड कार्ड का जो वीडियो बनाया है उस पर मेरे जो कमेंट आए, मैं उस बेस पर इसको बना रहा हूँ। तो अभी चलो फाइनल में मैं सारे कनेक्शन एक साथ कनेक्ट करके हर एक चीज़ को दिखा देता हूँ कि मेरा सारा पोर्ट जो है एकदम से भर जाएगा पीछे का। चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कनेक्शन है वो पूरा प्रॉपर है, और अभी ये माइक का उपयोग नहीं है, इसके जगह पे मैंने कंडेंसर माइक लगा के रखा है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये केबल आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, ये स्प्लिटर है, इसमें एक माइक का रहता है और एक हेडफोन का रहता है। तो अगर आप इस कंडेंसर माइक का मोबाइल पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप मोबाइल में लगा दीजिए, इस साइड आप मोबाइल में लगा दीजिए, और जी ये दो तरफ है तो इसमें एक हेडफोन का निशान बना हुआ है, ये इसको छोड़ के यहाँ पे माइक का निशान जो बना है, इस वाली को कंडेंसर और माइक वाला पोर्ट को इसमें पिन को डाल देना है, और ये मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से रिकॉर्डिंग होता है, मैंने ट्राई किया है। अभी इसको लाइव इसको एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट में लगा देता हूँ, लाइव वन में मैं दूसरा लगा के दिखाता हूँ, सारा पोर्ट भर जाएगा अभी। ये जो है कंपनी इंस्ट्रूमेंट में लग चुका है, यहाँ पे हम इसको यारों का कनेक्शन दे देते हैं। अभी बीच का दो खाली है, लाइव वन खाली है, इधर का भरा हुआ है। तो ईयरफोन स्पीकर में इस स्पीकर का कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसका लीड निकाल दूंगा क्योंकि माइक पास में होने के कारण यह शोर करेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं थोड़ी सी लगा के और निकालने के दिखाता हूँ। खाली इसका लीड लगाऊंगा मैं, क्योंकि आपने देखा मैंने थोड़ी सी माइक में बोला नहीं कि आवाज़ कर रहा है। स्पीकर जो है होम थिएटर दूरी पे होना चाहिए। बचे हैं दो पोर्ट्स, एक चार्जिंग का, वो भी मैं लगा देता हूँ। अब एक बचता है लाइव वन, तो लाइव वन के लिए एक जुगाड़ बनाया हुआ है केबल, इसको मैं लगा देता हूँ और इसको एक दूसरे मोबाइल पे लगा के दिखाता हूँ। तो अभी इसको लगा लेते हैं, इसको जो है लाइव वन में लगाएंगे। देखो दोस्तों, अभी जो है सारा कुछ कनेक्शन मैंने कर दिया है, इसके सारे पोर्ट्स भर गए हैं। कोई भी पोर्ट खाली नहीं बचा है, देखिए लाइव वन, लाइव टू, एकम्पनी इंस्ट्रूमेंट, चार्जिंग, ईयरफोन स्पीकर, हेडसेट, कंडेंसर माइक एंड डायनेमिक माइक। एक बेसिक रिकॉर्डिंग के लिए अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर एक सॉन्ग रिकॉर्डर हैं तो आपको खाली कंडेंसर माइक लगा देना है, डायनेमिक माइक भी नहीं लगाना है, हेडफोन एक लगा लेनी है, और लाइव टू में अपने मोबाइल या कैमरा का कनेक्शन दे देना है, और अगर आप कैसियोपिया ने ड्रम पैड कुछ भी है, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो एक कंपनी इंस्ट्रूमेंट में लगा के रखना है, इतने में काम चल जाएगा। खाली आपको किसी से बात करना है तो
अपना ईयरफोन वाला जो स्पीकर ईयरफोन है उसका भी उपयोग हेडसेट के जगह में कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा लाइव टू के साथ मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद। तो जहाँ तक है मैंने अभी आपको सारा कनेक्शन बता दिया है, अभी भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वेट साउंड कार्ड एक बढ़िया कार्ड है, रह गया इसके उपयोग के बारे में, तो अगर इसका उपयोग करना आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी बोलते हैं फालतू है, तो फालतू कुछ भी नहीं होता, कबाड़ा भी काम आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक छोटा सा प्रयास था, आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेगी, तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।